में बताना गया है, आज हमारी सरकार जो है ना बुरी तरह से फेल हो चुकी है, ठीक है। इनके सिर्फ गरीब लाचार लोगों को जो हक मांग रहे हैं उन पर सिर्फ लाठी और डंडे बरसाने की काम इनको करनी है, और कोई तो इनको काम करना नहीं है। हम लोग आज अपनी हक मांग रहे हैं। अति पिछड़ा ओबीसी सारे जाति के लोग हैं, ऐसी तो कोई है नहीं कि सिर्फ इसमें जनरल जाति के लोग नहीं है, और जितने सरकार में सारे सारे ब्राह्मण का राज है। तो जब तक ये ब्राह्मणवाद नहीं मिटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी क्या उम्मीद पड़ गई या आपत्ति हो गई कि आज बहुजन को ये सड़क पर उतरना पड़ा है? संविधान दिवस तो पूरा भारत चलता है जिस संविधान से, तो बहुजन ही क्यों मना रहा है? देखिए, आज नरेंद्र मोदी भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक दलित समाज से थे, ऐसे तो वो जनरल थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दलित बनाया, ओबीसी बनाया, अपना सर्टिफिकेट चेंज करवा के। वैसे तो वो सर्टिफिकेट से हैं ओबीसी, ऐसे तो ओबीसी है नहीं। तो इन्हीं के सिद्धांत से और इन्हीं के संविधान से आज वो बने हुए हैं। तो देखिए, जब तक हमारी संविधान रहेगी तब तक हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो फिर से वही ब्राह्मण राज आएगी और फिर से वही नीचे बैठना पड़ेगा। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है कि आज हम लोग सब एक जगह बैठे हुए हैं, सारे जाति के लोग एक समान हैं। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? अभी तो पुलिस ने रोका होगा। अभी देखिए, अब तो जारी है, जब तक अपनी संघर्ष तो जारी रहेगी। तो परमिशन तो ले चुके थे ना, तो फिर यहाँ पे क्यों रोका गया आपको? देखिए, वो तो बात है कि सरकार जो है वही सब वही सरकार का ही प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहता है कोई आगे बढ़े, अपनी कोई हक ना मांगे। जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद करने में पूरी मैंने सक्षम होती है सरकार मैंने चाहता है कि मैं कोई काम ना करूं लेकिन मेरे खिलाफ कोई बोले भी ना, और जो बोलता है उसका हश्र तो आप जानते ही हैं। बिहार में एक लालू यादव थे, इन्होंने एक बार बोला, उनको जेल में अंदर करवा दिए। मायावती जी हैं, वो भी बोलती हैं अति पिछड़ा के खिलाफ, वो भी आजकल थोड़ा मैंने कम बोल रही हैं, उनको भी थोड़ा सा डर है। तो बहुत तरह की बातें हैं, जो आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसको ये अंदर करवाते हैं। बस ये जो सत्ता का है भरपूर भोग उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। अभी देखिए, अभी रिजल्ट आने वाली है, राम मंदिर की मुद्दा जो चल रही है, राम मंदिर के मुद्दा पे इंसाफ हो जाएगा। ये अगर मंदिर बनाते हैं बढ़ियारी तो भी गलती करते हैं, और अगर न्याय की बात नहीं मानते हैं तो जनता उसका आएगी कि भाई मंदिर क्यों नहीं बनाया, मंदिर की बात थी तो मंदिर के नाम पे सत्ता में आए हो, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सब